स्टूडेंट्स, आज हम आपको फैमिली का प्रैक्टिकल कराने जा रहे हैं, जिसमें से आज हम आपको ब्रैसिकेसी फैमिली के बारे में डिफाइन करेंगे। ब्रैसिकेसी फैमिली में फ्लावर का डिसेक्शन कराना है आज हमको, जिसमें ये हमारा आप देख सकते हैं फ्लावर लिया है, इसकी लीफ अल्टरनेट क्रम में लगी हुई है। ओके, और एक्सिस पर क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर फ्लावर्स लगे हुए हैं। फ्लावर में सबसे पहले आप देखिए, जब हम फ्लावर एक फ्लावर को निकाल लेते हैं सेक्शन कराने के लिए, तो उसके सारे पार्ट्स को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, जिसमें ये क्या है आपका कैलिक्स होता है, नीचे जो लगे होते हैं कैलिक्स, यहाँ कोरोला होते हैं जो ऊपर की ओर लगे हैं, एक कोरोला है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर एंडोशियम किनारों पर, ये क्या लगे रहते हैं, एंडोशियम लगे रहते हैं। और यहाँ बीच में सेंटर में आपकी लास्ट होती है गाइनोशियम। हम आपको एक एक चीज निकाल कर यहाँ पर दिखाएंगे, डिफाइन करेंगे इसके बारे में। अभी मैंने आपको पहले से ये निकाल कर डिफाइन कर दिया हुआ है। इसमें जो ब्रैसिकेसी फैमिली है सरसों, जिसमें लाइरेट प्रकार की लीफ पाई जाती है, इसलिए मैंने आपको वो भी निकाल कर दिखा दी है। और नेक्स्ट है आपका एलएस ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो हमारे ये फ्लावर है, इसका हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करके आपको यहाँ पर शो किया है। एक बार आप ध्यान दे लीजिए मेरी बात पर, ब्रैसिकेसी फैमिली में हम ब्रैसिका कम्पेस्ट्रिस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका फ्लोरल फॉर्मूला होता है ई ब्रैक्टिएट, मतलब इसमें ब्रैक्ट होता है जो वो नहीं लगा हुआ है। एक्टिनोफॉर्मिक एक्टिनोमॉर्फिक, जिसका मतलब होता है इसका हम फ्लावर को जब हम फ्लोरल डायग्राम पढ़ते हैं तो उसमें हम इसको चार भागों में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट, जिसका मतलब है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टेमेन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गाइनोशियम दोनों इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको हर्माफ्रोडाइट का सिंबल बनाया होता है। कैलिक्स 2+2, टोटली 4 कैलिक्स इसमें पाए जाते हैं, जो मैंने निकालकर फ्लावर में से दिखा दिए हैं आपको। उसके बाद कोरोला 4 होते हैं, ये देखिए पेटल्स बोलते हैं जिसको, हम क्या कहते हैं कोरोला को, पेटल कहते हैं। ओके, और जो आपके कैलिक्स थे उसको हम सेपल कहते हैं। ओके, तो कितने हैं कैलिक्स 2+2, दो दो के चक्रों में, कोरोला 4 एंड एंडोशियम 2+4, मतलब टोटल 6 एंडोशियम इसमें पाए जाते हैं, एंड जिसमें स्टेमेन कहते हैं जिसको हम इसमें आपको दिखाएंगे। इसमें टोटल 6 देखिए ये लगे हुए हैं स्टेमेन, 2 इसमें छोटे होते हैं नीचे की ओर, छोटे आकृति में आप देख सकते हैं 2 छोटे हैं, और 4 इसमें बड़े हैं, इसलिए हमने 2+4 लिखा हुआ है। तो ये एंडोशियम स्टेमेन एंड गाइनोशियम, इसकी सेंटर में यहाँ पर क्या पाई जाती है, गाइनोशियम। ओके, गाइनोशियम स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी में डिफाइन होती है, ये स्टिग्मा होती है छोटी सी इसकी, ओवरी है स्टाइल। ओके, अब आते हैं हम आपको करना सिखाएंगे कैसे किया जाता है। देखिए ये है फ्लावर। ओके, तो फ्लावर में नीचे सबसे नीचे देखिए ये क्रॉसेस क्रम में लगे हुए हैं, ये आपके 4 क्या लगे हैं, कैलिक्स, तो आप इसको अलग कर दीजिए। ओके, अब है कोरोला, ये इनको क्या कहते हैं, येलो कलर की जो बनी हुई है, तो आप कोरोला कहते हैं, आपके कोरोला हम कह सकते हैं क्रॉस रूपी क्रम में लगे रहते हैं। किस रूप में, क्रॉस में लगे रहते हैं, वेलवेट भी कह सकते हैं, एवं कितने हैं ये 4, किस कलर के, येलो कलर के होते हैं। ये आप डेफिनेशन जब डिफाइन करते हैं, लैंग्वेज लिखते हैं, तब आप इसको इजीली इसमें लिख सकते हैं ये चीजें। आप देखिए मैंने 4 पेटल्स निकाल दिए, यहां मैं पहले से रखे हूं वरना मैं यही रखती, तो जल्दी से मैंने इसको निकाल कर यहां रख लिए, 4 पेटल्स निकाल लिए हमने। और उसके बाद इसमें क्या है, ये एंडोशियम लगी हुई है, ठीक, अब आप देख सकते हैं ये एंडोशियम लगी है देखिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एंडोशियम को निकाल लेंगे,
क्योंकि हमें आपको सारी चीजें एंडोशियम नीचे आधार से लगी हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान में दी जाती है कि ये फ्री है कि फ्यूज। तो आपने डायग्राम में देखा होगा, इसमें भी देख लीजिए कि जो ये फ्लावर है इसमें सब सारी चीजें फ्री हैं। फ्री होती हैं तब हम इसमें पॉली शब्द यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? पॉली। अगर ये नीचे आधार से, जो देखिए ये फ्लावर हम दूसरा में दिखा सकते हैं आपको, ये देखिए अटैच तो नहीं है, आधार से बिल्कुल अलग है, इजीली कितनी आसानी से निकल जा रही है क्योंकि ये किसी से जुड़ी नहीं है। तो अगर ये जुड़ी नहीं है तो ये क्या है? पॉली, पृथक कहलाती है। तो अगर स्टेमेन अगर जुड़ा नहीं है, अलग अलग है, पृथक है, तो इसको पॉली सिपेलस कह सकते हैं। अगर ये सेपल्स भी नहीं जुड़े हुए हैं तो हम यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? पॉली पिटेलस वर्ड यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये अलग अलग लगी हुई है, किसी से अटैच नहीं है। अब हम आते हैं सेंटर में, हमने आपको निकाल दी थी ये भी, क्या है इसमें? इसमें ये गाइनोशियम पाई जाती है। देखिए हमने गाइनोशियम निकाल ली हम, क्योंकि जो स्टेमेन है हमने आपको पहले भी बता दिया है कि 2+4 के रूप में स्टेमेन पाए जाते हैं, मतलब टोटल 6 स्टेमेन इसमें पाए जाते हैं, दो किनारों पर एवं एक सेंटर में पाया जाता है। ठीक, देखिए हमने गाइनोशियम निकाल ली है ये। ओके, तो गाइनोशियम में ये क्या है? स्टिग्मा, यहाँ ओवरी और ये स्टाइल, सेम इसी प्रकार से निकाली है। ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अगर आपसे एलएस ऑफ फ्लावर पूछा है तो मैं डायरेक्ट एक फ्लावर को लेती हूँ और फ्लावर को लेने के बाद हम इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट कर देते हैं ब्लैड से, तो हम इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करके सामने शो कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझा रही हूँ। तो ब्रैसिकेसी फैमिली में ब्रैसिका कंपेस्टिस का फ्लोरल डायग्राम मैंने आपको शो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हम आपको वो भी शो कर सकते थे। फ्लावर से आपको सारा डिस्क्रिप्शन समझ में आ चुका होगा। ओके, थैंक यू।